भारत में सदियों से होली से ठीक पहले होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है। होलिका दहन से जुड़ी पौराणिक कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप से जुड़ी कथा सर्वमान्य है। आइए जानते हैं होलिका दहन के बारे में। असुर हिरण्यकश्यप वन नामक स्थान का राजा था, जो कि वर्तमान में भारत देश के राजस्थान राज्य में स्थित है, जिसे हिंडौनी के नाम से जाना जाता है। हिरण्याक्ष उसका छोटा भाई था, जिसका वध वराह ने किया था। विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार दैत्यों के आदि पुरुष कश्यप और उनकी पत्नी दिति के दो पुत्र हुए, हिरण्यक्षिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यक्षिपु ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा को प्रसन्न करके ये वरदान प्राप्त कर लिया कि ना वो किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सकेगा, ना पशु द्वारा, ना दिन में मारा जा सकेगा, ना रात में, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना किसी अस्त्र के प्रहार से और ना किसी शस्त्र के प्रहार से उसके प्राणों को कोई हर सकेगा। इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया और वो खुद को अमर समझने लगा। उसने इंद्र का राज्य छीन लिया और तीनों लोकों को प्रताड़ित करने लगा। वो चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसकी पूजा करें। उसने अपने राज्य में विष्णु की पूजा को वर्जित कर दिया। हिरण्यक्षिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था और यातना एवं प्रताड़ना के बावजूद वो विष्णु की पूजा करता रहा। क्रोधित होकर हिरण्यक्षिपु ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर प्रज्वलित अग्नि में चली जाए, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। जब होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया तो प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। होलिका जलकर राख हो गई। अंतिम प्रयास में हिरण्यक्षिपु ने लोहे के एक खंभे को गर्म कर लाल कर दिया तथा प्रहलाद को उसे गले लगाने को कहा। एक बार फिर भगवान विष्णु प्रहलाद को उबारने आए। वो खंभे से नरसिंह के रूप में प्रकट हुए तथा हिरण्यक्षिपु को महल के प्रवेश द्वार की चौखट पर, जो न घर का बाहर था न भीतर, गोधूली बेला में, जब न दिन था न रात, आधा मनुष्य आधा पशु, जो न नर था न पशु, ऐसे नरसिंह के रूप में अपने लंबे तेज नाखून से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, मार डाला। इस प्रकार हिरण्यकश्यप अनेक वरदानों के बावजूद अपने दुष्कर्मों के कारण भयानक अंत को प्राप्त हुआ। इस कथा को आधार मानकर भारत में होलिका दहन की शुरुआत हुई, जो आज भी चली आ रही है।